हेलो एवरीवन, नमस्कार। आइए देखते हैं अपना अगला स्टॉक के बारे में। अपना जो अगला स्टॉक है वोल्टास लिमिटेड है। वोल्टास लिमिटेड की बात करें तो आज शेयर में बहुत तेज़ी देखने को मिला है। इतनी तेज़ी इससे पहले नहीं देखने को मिली थी। इसका तेज़ी का मेन रीज़न था इसका क्वार्टर वन का रिजल्ट आ गया। और क्वार्टर वन का रिजल्ट बहुत ही शानदार रहा, तो इसकी पूरी एनालिसिस करते हैं, रिजल्ट की एनालिसिस करते हैं आपके साथ में मिलकर। तो चलिए चलते हैं रिजल्ट पर, रिजल्ट क्या कहता है। तो रिजल्ट आज ही डिक्लेयर हुआ। रिजल्ट में देखा जाए तो मोटी मोटा अगर आंकड़ा यहाँ पर देखने को मिल रहा है, यहाँ पे देखिए तो इस क्वार्टर में 5,001 करोड़ का इनकम हुआ है। वही क्वार्टर वन 2024 की बात करें 3,430 करोड़ का इनकम हुआ था, जो इस साल से तकरीबन 46% कम है। अभी इस साल देखा जाए 46% का इंक्रीमेंट हुआ है, इंक्रीज हुआ इनकम। वही बात करें तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो क्वार्टर वन 2024 की बात करें तो 129 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था, जो बढ़ के 335 करोड़ का प्रॉफिट हो चुका है। साल दर साल की बात हो रही है यहाँ पर, तो देखा तो 160% का ये प्रॉफिट इंक्रीज किया है एज कम्पेयर टू पिछले साल देखा जाए तो। तो चलते हैं इसके एक्सपेंस के बारे में भी बात कर लेते हैं, कितना एक्सपेंस बढ़ा है घटा है यहाँ पे देखने को जो मिल रहा है। यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे जो इनकम था, इनकम की तो बात हुई, यहाँ पे एक्सपेंस की बात करते हैं तो क्वार्टर दर क्वार्टर की बात करें तो पिछले क्वार्टर में 4,044 करोड़ का ये इसका एक्सपेंस आया था, वहीं 4,520 करोड़ का एक्सपेंस इस बार आया। साल दर साल की बात करें तो 3,195 करोड़ का एक्सपेंस हुआ था। क्वार्टर वन 2024 की बात हो रही है, साल दस साल की बात हो रही है, तो देखा तो उसके कंपैरिजन में तकरीबन 1400 करोड़ का 1400 करोड़ का ये इजाफा हुआ एक्सपेंस में, बट प्रॉफिट भी उसी हिसाब से बढ़ा है। तो बात करते हैं प्रॉफिट की, प्रॉफिट कितना रहा। तो प्रॉफिट में अगर बात करते हैं तो नेट प्रॉफिट की बात कर लेंगे। नेट प्रॉफिट में जो देखने को मिला आपको, नेट प्रॉफिट रहा ये आपका। नेट प्रॉफिट में क्वार्टर दर क्वार्टर की बात करें तो पिछले क्वार्टर में 110 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था, जो उसके पहले क्वार्टर्स के कंपेरिजन में देखा था कम हुआ था, बट देखा है तो 110 से बढ़ के 135 करोड़ का हुआ है। पिछले क्वार्टर मार्च 2024 में, मार्च 2025 का जो रिजल्ट आया था उसमें 110 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था, बट जून 2025 की बात करें तो 335 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है। वहीं जून 2024 की बात करें तो 129 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था, जो बढ़ के साल दर साल की बात करें तो 335 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है। तकरीबन 160% का ये प्रॉफिट इंक्रीज किया है। तो देखा तो अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ, अच्छा खासा इनकम ग्रो किया है, इसी वजह से इस मार्केट में, इस शेयर में रैली देखने को आपको मिल रही है। चलिए चार्ट पे देखते हैं, अपना एनालिसिस करते हैं कि क्या आप एंट्री ले सकते हैं। चार्ट में अगर बात करें तो अगर आज इसके ऊपर डेली कैंडल क्लोज कर देता है, इस जोन के ऊपर डेली के अपने टॉप के ऊपर डेली कैंडल क्लोज कर देता है, तो आप उसमें अगर एंट्री बनाते हैं तो आपका स्टॉप लॉस 1550 के करीब में होना चाहिए। आपको 10 रुपये ज़्यादा स्टॉप लॉस नहीं रखना है, क्योंकि अगर ऑल टाइम हाई के ऊपर क्लोजिंग करता है तभी आपको एंट्री बनाए। अभी एंट्री बनाने का कोई मतलब नहीं है। आप 3.25, 3.27 पे देखिए ऑल टाइम ऊपर ये क्लोजिंग दे रहा है, तो उसमें आप एंट्री बना सकते हैं। तो इसमें इतना ही, मिलता है अगले वीडियो में। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दे। धन्यवाद।